आपके भी सब्जियों की ग्रोथ रुक गई है, सब्जियां देखिए लहलहा नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है पौधे लगाए हैं तो क्या डालें कि मेरी तरह आपकी भी सब्जियां हो। देखिए कितना जल्दी मैं हमेशा वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मात्र गोभी देखिए कितना कम दिन का है और कितना अच्छा शानदार ग्रोथ है। तो कैसे है, उसी के लिए एक लिक्विड फर्टिलाइजर जादू की तरह काम करेगा आपके गार्डन में। तो फ्रेंड्स, हमारे इतने हेल्दी पौधों का राज क्या है, हमारे देखिए एक से एक हमारे पौधे इतने अच्छे हेल्दी स्वस्थ है, उनका राज क्या है। हमारा बैंगन का प्लांट है, देखिए हमारे बैंगन के प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है, कितनी शानदार ग्रोथ है। तो ऐसा हम क्या डालते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे बैंगन के प्लांट इतने हेल्दी और स्वस्थ। मिर्चियाँ देखिए फ्रेंड्स, कैसे मिर्चियाँ एकदम लदी पड़ी हैं। मैं कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ ना, तो एक पौधे के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं सब में यूज करती हूँ, सब में डालती हूँ और सभी पौधों में रिजल्ट एकदम शानदार आता है, खिल के आता है। कोई भी ऐसा नहीं फर्टिलाइजर है जो आपके गार्डन में वर्क नहीं करेगा, सभी सब्जियों पे मतलब वर्क करने वाला एक लिक्विड फर्टिलाइजर है। बैंगन की ग्रोथ देखिए कितनी फास्ट ग्रोथ है इसकी, देखते ही देखते कितने बड़े हमारे बैंगन के प्लांट हो गए हैं और एकदम खिले खिले से पौधे हो गए हैं। या फिर टमाटर पे कीजिए इस तरह से, अगर टमाटर फूल आ रहे हैं उस समय आप कीजिए, एक भी फूल ड्रॉप नहीं होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा लिक्विड पावरफुल फर्टिलाइजर बताने जा रही हूँ जिसका प्रयोग करने से आपके सब्जियाँ और फल एकदम लहलहा उठेंगे। इस खाद को एक से दो बार अपने गार्डन में इस्तेमाल कीजिएगा हर 15 दिन पे ना, तो आपके प्लांट की ग्रोथ इंस्टेंट इतनी अच्छी हो जाएगी, बड़ा दिखने लगेगा और प्लांट एकदम बूसी और हेल्दी रहेगा, जिससे कीड़े का भी अटैक कम आएगा। तो वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से हम वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। खाद कैसे बनाना है, तो उसके लिए लेना क्या है, उसके लिए चलिए हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो देखिए कभी भी खाद जो है ना सरा गला चीज का ही काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग जानते होंगे पेड़ पौधों को जितना भी वेस्टेड चीज खिला दीजिए पेड़ पौधा उतना ही अच्छा रहता है। जितना मतलब हम लोग जैसे खाना जो है ताज़ा खाते हैं तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, पेड़ पौधा जितना ही सरा गला खाते हैं उतना ही स्वस्थ रहते हैं, मतलब एक उल्टा ही है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है सरा गला केला, तो इस तरह से देखिए आप ले लेना है आपको सरा गला केला। और दूसरी चीज़ ले लेना है गोबर, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं सरा हुआ गोबर भी ले सकते हैं, अगर आपको ताज़ा गोबर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, ताज़ा गोबर भी ले सकते हैं। फिलहाल तो मुझे ताज़ा गोबर नहीं मिला इसलिए मैं ले ली हूँ सरा हुआ गोबर। जब हमारे पौधे देखिए इस स्टेज में रहते हैं तो इनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन पोटेशियम, दो चीज़ ऐसा है। पोटेशियम किस लिए, क्योंकि शुरुआती दौर से देंगे तो फल फूल के लिए अच्छा आएगा, नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, बाकी तो हमारे मिट्टी में कैल्शियम ये सारे चीज़ आयरन कैल्शियम के सारे जो हमने जैसे बोन मिल वगैरह डाला हुआ है तो उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस स्टेज में हमें पौधों को चाहिए नाइट्रोजन और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में, जिससे हमारा पौधे की ग्रोथ अच्छा हो, तो उसके लिए दोनों चीज़ बहुत अच्छा है। तो आप अगर इस तरह के केले हमारे घर में सड़ जाते हैं तो उस तरह सड़े हुए केले का देखिए इस तरह से बना लीजिए आप लिक्विड फर्टिलाइजर, ये इंस्टेंट वर्क करता है। अगर इसे हम डीप करने के लिए रखेंगे तो 5-7 दिन 10 दिन भी लग जाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह से अपने मतलब बना के रखते हैं, ये देखिए छिलकों का छिलका और केला ये दोनों चीज़ का हमने लिक्विड बना के इस तरह से देखिए, पानी ये हमारा 5 लीटर पानी है, इसमें एक डेढ़ दर्जन केला है और 100 ग्राम के लमसम गुड़ डाल के हमने इसे ऐसे ही रख देती हूँ गार्डन में। तो हमेशा हमारे गार्डन में इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हमारा केले का लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया, दूसरा हमारा सरा हुआ गोबर हो गया। तो इन दोनों का मिक्स अगर हम बना के इंस्टेंट हो गया, अगर आपने मान लीजिए कि इस तरह से केले का फर्टिलाइजर बनाया हुआ है तो आप इंस्टेंट डाल सकते हैं। इंस्टेंट आपको क्या करना है कि इस तरह से ले लेना है गोबर की सड़ी हुई खाद और लिक्विड केले का फर्टिलाइजर। अगर 1 kg हम खाद लेते हैं तो 250 ग्राम हम इसका लिक्विड फर्टिलाइजर लेंगे और 20 लीटर पानी लेंगे। दोनों को मिक्स करके हम मतलब जो है अपने प्लांट में, इतने छोटे प्लांट में 100 ग्राम के लमसम हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास केले का नहीं है और आपके पास ये केला है तो इसको कैसे बनाना है, इसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। काटने के बाद आप ये जो हमारा गोबर की खाद है इसमें इसको मिक्स करके पानी डाल के
एक 4 से 5 दिनों के लिए रख सेड एरिया है, तो इसको हम रख देंगे। अभी किसी चीज से हम हल्का कवर कर देंगे, पूरा एयर टाइट ना करके हल्का कवर करेंगे, रख दीजिए। और उसके बाद जो है हमारा इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर, देखिए ये देखिए बनके तैयार हो जाएगा 4 से 5 दिन का ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो मान लीजिए कि आपको 1 केजी अगर हम गोबर लेते हैं तो कम से कम 3 से 4 हमें केला लेना है और 5 से 10 लीटर पानी लेना है। उस पानी को कम से कम हमको डबल करना है, मान लीजिए 10 लीटर हमने पानी लिया तो 20 लीटर पानी हमको बना लेना है और प्लांट में देना है। कि ले लिए हम बड़ा सा ड्रम, इसमें 20 से 25 लीटर हम बनाएंगे इस खाद को। ये देखिए पूरी गोबर की सरी हुई खाद हमारी है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए जब हम खाद बना लेंगे इस तरह से, तो आपको लेना है 1 लीटर जो है हमारा ये खाद, जो मतलब 1 लीटर आपको लेना है इस तरह के आपके जो भी गोभी के प्लांट है कम से इस स्टेज में। जैसे कि ये हमारा पौधा अभी छोटा है, मैक्सिमम ये 7-8 पत्ते का है, इतने बड़े गोभी के साइज में जो है 1 लीटर पानी को हम जो है डालेंगे 5 गोभी के पौधे में, कम से कम 5 प्लांट में हम इस प्लांट इस तरह से देखिए 5 जो पौधे हैं 1 लीटर पानी हम उसमें डालेंगे। और ये आपको रिपीट करना है, हर वीकली दे सकते हैं। अगर 15 अगर वीक में सप्ताह में एक दिन आप ना दे पाए तो कम से कम 15 दिन में आप इसको रिपीट ज़रूर करें। मैं तो वीकली इसका इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि हमने अभी देखा कि आप लोग को के साथ एक हमने पहले से बना के रखा था जिसे मैंने आज डाला, और आज मैंने फिर से एक बना दिया है जो मैं अगले वीक डालूंगी। तो वीकली मैं इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग करती हूँ, बदल बदल के भी देती हूँ। तो आप भी चाहे तो अपने गार्डन में इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो भी गोभी के पौधे हैं, बैंगन के, टमाटर के, जितने भी हमारे पौधे हैं सब में मैं ये लिक्विड फर्टिलाइजर अभी मैं डालूंगी। कुछ मैं डाल चुकी हूँ, थोड़ा पानी डाल दी हूँ ताकि क्या है ना कि लिक्विड फर्टिलाइजर हमारे पौधे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए और इस तरह से हमारे पौधे जो हैं बिल्कुल अच्छे हेल्दी और स्वस्थ होते हैं। तो इतने स्वस्थ पौधों का राज यही है कि हम अपने गार्डन में जो है लिक्विड फर्टिलाइजर जो है प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, वीकली इस्तेमाल करते हैं, वीकली स्प्रे करते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।